हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट सिलेशन में। आज का हमारा प्रोजेक्ट है मोटराइज्ड रोबोटिक आर्म, जो कि आप देख रहे हो। ये मॉडल हमने बड़े सिंपल तरीके से बनाया है, आप लोग भी इसे बना सकते हो। सारा प्रोसेस आपको शो करेंगे। अगर आप लोग इसे ऑर्डर करना चाहते हो तो ऑर्डर भी कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया सभी जगह आपको ये प्रोजेक्ट अवेलेबल हो जाएगा विद इन वीक का। आप मैक्सिमम 10 डेज ले सकते हो या वीक भी मिल सकता है आपको। आप पूछ सकते हो कहाँ से बोल रहे हो, ठीक है। तो व्हाट्सअप पे, फोन पे जो डिस्प्ले पर नंबर शो हो रही है वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आगे हम आपको बताते हैं, वीडियो में बने रही है कि कैसे इसको बनाया हमने और कैसे इसका वर्किंग है, क्या क्या इसका वर्किंग है, क्या क्या कंपोनेंट्स मैंने यूज किया हुआ है, सब चीज़ एक चीज़ हम आपको वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो आप फ्रेंड देख रहे हैं कि ये जो हम प्रोजेक्ट बनाया है, एक हमारा बेस है जो कि हमें बेस पे हमने एक सर्कल को नीचे आपको देख रहे हो व्हील लगे हुए हैं, तीन व्हील लगे हुए हैं जो कि हमारा आर्म को 360 डिग्री रोटेट कर रहा है, लेफ्ट राइट ये, ठीक है। इसके नीचे भी एक मोटर लगी हुई आपको दिख रही होगी, यहाँ पे मोटर है, ठीक है। इस ये मोटर का काम है कि इसको लेफ्ट राइट रोटेट करना, ठीक है। और आपका एक मोटर नीचे लगी हुई है, एक मोटर आपका ये हो गया, दो तीन एक चार, एक आपका फर्स्ट आर्म के लिए, एक सेकेंड आर्म के लिए, एक आपका ग्रिपर के लिए, और चार मोटर लगे हुए हैं। और चारों मोटर कंट्रोल करने के लिए चार स्विच लगे हुए हैं, एक दो चार लगे हुए हैं। तो चारों स्विच का मोटर, चारों स्विच कंट्रोल हो रहे हैं मोटर कंट्रोल स्विच के थ्रू। और ये स्विच का नाम है DP DT स्विच, डबल पोल डबल टर्मिनल स्विच है ये। और जो मोटर है हमारे, गियर मोटर हमने एक आपको देख रहे हो, एक दो और तीन, ये तीन मोटर हमने यूज़ किया हुआ 40 RPM गियर मोटर है। और एक हमारा ये 100 RPM का है, आप इसको कम RPM के लिए ले सकते हैं, हमारे पास जो अवेलेबल था हमने वो लगाया तो ग्रिपर में। तो अब आपको इसका वर्किंग करके दिखाते हैं। इसका कनेक्शन सिंपल, हमने पैरेलल में सभी कनेक्शन किया हुआ है, सभी वायर आए हुआ है यहाँ पे, 6 वायर टोटल होंगे यहाँ पे आपको, ऊपर के तीन मोटर के और नीचे के मोटर का जो वायर है वो नीचे ऑलरेडी नीचे ही है। आपको दिखाते हैं आपको, तो आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे से ऑलरेडी ये जो ऑरेंज एंड पिंक कलर की वायर आया हुआ, ठीक है। तो हमने बैटरी से इसको चला रहे हैं, सारा स्विच कनेक्शन किए हुए हैं यहाँ पे। तो मैं इसको बैटरी कनेक्टेड है हमारा, ऑलरेडी दो बैटरी लगाई हुई हमने ताकि एक बैटरी डिस्चार्ज हो दूसरा बैटरी हम डाल सकते हैं। तो हम एक बैटरी से ऑपरेट कर रहे हैं इसको। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये सर इस स्विच पे हमने मेंशन किया हुआ है लेफ्ट राइट, इससे लेफ्ट राइट हमारा मतलब इधर से लेफ्ट राइट होगा ये हमारा, ये चीज़ ये होगा हमारा फर्स्ट आर्म, सेकेंड आर्म, डाउन अप, इधर हमारा होगा ग्रिपर में आपका क्लोज एंड ओपन। तो हम एक ही करके ऑपरेशन देखते हैं कैसे क्या वर्किंग है। तो मैं इसको कैमरा थोड़ा पीछे किया और आप देख रहे हो कि मैं इसको अभी राइट करता हूँ, तो राइट हो रही है, अब देख रहे हैं तो राइट हो गया ये। तो 360 डिग्री रोटेट है, आप रोटेट कर सकते हैं, बट ये वायर है, वायर अटक ना जाए इसलिए हमने यहीं से इसको हम वापस ले आया, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया, फर्स्ट फंक्शन हो गया आपका। तो मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट फंक्शन हो गया। अब ये हमारा है डाउन, तो फर्स्ट आर्म डाउन होगा, डाउन एंड अप, ठीक है। तो अब ये सेकंड आर्म डाउन अप, उसके बाद भी हम इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो ये प्रॉपर काम कर रहा है। अब ये हमारा ग्रिपर के लिए है ये चीज़ आपका, अभी हमारा ऑलरेडी क्लोज है तो ओपन करते हैं। ओपन के नीचे बटन दबाएंगे, ओपन, आप देख रहे हो ओपन हो गया। तो क्लोज करनी है हमने, ऊपर वाला बटन दबाएंगे, ऊपर क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ठीक है। तो सारा फंक्शन आपने प्रॉपरली देख लिया, आपने कोई भी चीज़ को पिक कर सकता है ये रोबोट जिसको आर्म को बनाया, आर्म को हम पिक करके कोई चीज़ दिखाते हैं आपको। हमने न्यूज़पेपर को हमने एक क्रास करके हमने डाला हुआ है, इसको हम इसको पकड़ा के दिखाते हैं आपको, इसको ओपन, ठीक है। तो इसको क्लोज हम कर सकते हैं, क्लोज अप डाउन। तो मैं यहाँ से ऑपरेट कर रहा हूँ ये अप डाउन, आप देख रहे हो ये हम करेंगे अप डाउन रोटेट लेफ्ट, ठीक है। तो एक्चुअली वो बेस के साथ टकरा गया, दोबारा हम इसको नीचे डाउन करके दोबारा हम इसको टकरा सकते हैं, क्लोज। तो इसको करेंगे अब, वो ग्रिप नहीं कर पाता ठीक से, तो इसको इसी तरह करके ऑपरेट कर सकते हो। बाकी आपको फंक्शन में आना है कि फंक्शन आपको सही से वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन हमारा वर्क कर रहा है,
प्रॉपर, जिस जो फंक्शन हमारा करना चाहिए, ब्रब वर्क देख रहे हो आप सारा चीज़, तो ये चीज़ है। इस तरह का आप लोग भी बना सकते हो, मैकेनिकल माइनर के लिए प्रोजेक्ट है, स्कूल में बना सकते हो, कॉलेज के लिए बना सकते हो। तो फ्रेंड्स कैसी लगी कंप्लीट प्रोजेक्ट ये रोबोटिक आर्म का, मोटराइज रोबोटिक आर्म का, कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, अपने बच्चों के साथ, ताकि उनको इस तरह का एजुकेशन प्रोजेक्ट, एजुकेशन किट का हेल्प मिल पाए और वो भी अपने स्कूल कॉलेज के लिए बना पाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।